अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हमारी चंग चाची हमें पहली बॉन्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमने चाय के साथ कुछ बिस्किट्स प्रिपेयर कर लिए हैं नाश्ते के लिए और अभी हम रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो इसके बाद मैंने अभी नाश्ता करने के बाद जाते हैं नीचे। और दूसरी बात, मैंने कल मैप पे कुछ सर्च बनाए थे कहाँ कहाँ पर कुछ प्लेसेस मैंने टारगेट किए हुए। ये पार्क बहुत बड़ा है यहाँ पर जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो बाद में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, तो वो सारी डिटेल बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ते के बाद मिलता है जी। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ नीचे। ये मेरे कुछ आप देख रहे होंगे हमारा होटल ऊपर है। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ, आपको पता है कौन सी प्लेस पर। आप कुछ सोच के आप सोच भी नहीं सकते मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो आज की जो पहली हमारा जो मेरा जो प्लान वो हमने डिसाइड किया वो ये है कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पर एवाटार मूवी शूट हुई है ना, एवाटार माउंटेन है जहाँ पर वो सारा वो बनाया हुआ था उन्होंने सीन, वो वहाँ उस प्लेस पर लेके जाऊँगा, ठीक है। और वो प्लेस वाकई जैसे आपने मूवी में शायद देखी हो, किसी बंदे ने देखी है ना देखी हो, जैसे वो एलियंस की होती है, माउंटेन्स होती हैं वहाँ पे, जो पूरा सीन ना जैसे किसी और हम प्लेनेट पे हैं, ठीक है, वो पूरा वही सीन होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उस तरह की जो माउंटेन्स है ना वो सिर्फ चाइना में है और दुनिया के किसी हिस्से में भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो मूवी भी इसी पार्ट में शूट हुई थी, तो ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी से कर लें। और मैं अभी आपको अपने जो होटल का जो है ना वो भी व्यू दिखा लेता हूँ, वो कुछ इस तरह का है। लुक एट दिस ब्यूटी, यही वो माउंटेन इस तरह की होती हैं। लेकिन ये देखिए कि अभी ये हम वहाँ पर वो प्लेस पे पहुँचे नहीं है, तो ये कितनी प्यारी माउंटेन्स हैं। लाइक इस तरह की माउंटेन सिर्फ चाइना में ही है, ठीक है। तो अभी वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर दिखाते हैं। और दूसरी जो बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज सूरज निकला हुआ है भाई यहाँ पर सर्दियों में सूरज नहीं निकलता और इतनी ज़्यादा फॉग होती है कि बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और उनको चांस नहीं मिलता कि वो माउंटेन्स का व्यू देख सकें। तो आई एम लकी कि आज सूरज भाई निकला हुआ है, तो आज हम अच्छे तरीके से वो व्यू इंजॉय भी करेंगे और हम अच्छे से वीडियो भी बनाएंगे और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, ठीक है। यानी कि इस मौसम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरज निकला है। मैंने बहुत दुआ की थी इसके लिए कि अल्लाह जब मैं पहुँचूँ वहाँ पर तो सूरज निकला हो, क्योंकि यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है ना, तो यहाँ पर सब कुछ यानी कि धुंधला हो जाता है, कुछ नज़र नहीं आता। तो वी आर लकी गाइस। और आज यहाँ पर मौसम भी सही है, और दूसरी बात ये कि हम आज सही टाइम पर पहुँच चुके हैं। तो चलें गाइस, अब भी स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। तो आप काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, लेट्स गो। वेलकम टू चंगा जी। अभी हम जा रहे हैं टिकटिंग ऑफिस में, यहाँ पर पास ही टिकट ऑफिस है, हमें वहाँ से जाकर टिकट पिक करनी पड़ेगी। तो अभी हम जा रहे हैं टिकट ऑफिस पर जी। दोस्तों फाइनली हमने टिकट ले ली है और अभी हम अंदर आ गए हैं पार्क के। तो ये पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ, ये पार्क अगर इसको आपने फुली विजिट करना है तो आपको 5 दिन से लेकर 7 दिन चाहिए। तो अगर अभी हमने जो टिकट ली है ना, अगर हम ये गर्मियों में ये टिकट लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, तो गर्मियों में ये टिकट की प्राइस होती है 250 RMB, ठीक है, और सर्दियों में होती है 150 RMB। तो अभी मुझे मिली है लाइक अब सर्दियों वाली प्राइस है, तो मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट कार्ड, मैंने अपना एक तो स्टूडेंट कार्ड होता है जो कि कार्ड जैसा है लाइक बैंक कार्ड होती है उस तरह का, वो स्टूडेंट कार्ड नहीं, एक हमें आपको यूनिवर्सिटी स्टैंप वाला स्टूडेंट कार्ड देती है, वो स्टूडेंट कार्ड आप अगर यहाँ पर लेके आओगे ना, उसके लिए उसके जरिए आपको यहाँ पर हाफ प्राइस में टिकट मिल जाएगी सर्दियों में। अब मुझे जो टिकट मिली है वो 75 RMB में है, और इसके अंदर जो पार्क के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है, वो भी इसके साथ ही इंक्लूडेड है। तो गाइस अगर आपने ये पार्क विजिट करना है तो आप गर्मियों में मत आओ, सर्दियों में आओ, सर्दियों में आके यहाँ पर अच्छे से इंजॉय भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सर्दी होगी और रिस्क वाली बात है वो व्यू वाली भी, ठीक है। ये ना हो कि आप सर्दियों में आओ मेरे कहने पर और यहाँ पर फॉग हो, तो रिस्क वाली बात है, ठीक है। तो ये हमें बड़ी सस्ती मिल गई है प्राइस, और अभी जो ये टिकट है ये 4 दिन तक हम जब मर्जी अंदर आ सकते हैं, जब मर्जी बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा सीन है, क्योंकि एक दिन में तो हम खत्म नहीं कर सकते। तो अभी हम 4 दिन यहीं पे हैं, इस पार्क को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे तरीके से। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सी ब्यूटीफुल प्लेस नजर आती हैं। लेट्स गो। Guys, you can stop this video and read this. I'm gonna show you something.
दोस्तों अभी मैं अंदर आया हूँ और मैंने एक चीज़ जो है ना ऑब्जर्व की है वो ये है कि यहाँ पर अभी लोग बहुत कम हैं और बहुत सुकून है, यानी कि नेचुरल साउंड्स आ रही हैं, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, पानी की आवाज़ है, साथ में रिवर चल रहा है। वाह यार क्या मतलब कि ब्यूटीफुल वो सीन है भाई, तो बड़ा मज़ा आया यार। अभी मैं थोड़ी सी रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें अभी हाफ रास्ते पर पहुँच चुके हैं और तकरीबन अभी हाफ आगे और जाऊँगा तो फिर वहाँ पर जो हम एवरेस्ट माउंटेन देख सकते हैं। तो अभी थोड़ी सी रेस्ट करके फिर चलते हैं आगे। हम ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ तो अभी चलते हैं ऊपर, थकावट हो रही है हल्के हल्के। After 3 hours of climbing, we got this view. Oh my gosh, so beautiful. But we still need to go up. दोस्तों अगर अभी तक आपने एवरेस्ट मूवी नहीं देखी तो जाके देखो और उसमें ये प्लेस आपको ज़रूर नज़र आएगी। यहाँ पर वो जो है ना ड्रैगन्स होते हैं वो यहाँ बड़ी सारे रहते हैं, ठीक है। तो ये वो प्लेस है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है यार। गाइस ये वो माउंटेन है जिसको एवेटर मूवी में मॉडल के तौर पर यूज़ किया गया और टेक्नोलॉजी के साथ ना वो सारा कुछ बनाया गया था इस माउंटेन पर। तो अगर आपने वो एवेटर मूवी नहीं देखी ना तो जाकर उसमें ज़रूर देखिएगा, तो ये आपको माउंटेन वॉश में नज़र आएगी। ओरिजिनल माउंटेन इस तरह की है।太漂亮了 So beautiful अभी आपको दिखाता हूँ। ये है पुराना 100 RMB का नोट। तो यहाँ पर एक माउंटेन है वो सेम जिसे ये चार जो है ना लोगों की तस्वीर लगी हुई है ना, इसी तरह की सेम उनका लुक है वो ये माउंटेन है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रोड से इसको देखिए ना, जैसे लगता है कि चार आदमी के ना जो चार फेसिस हैं और एक दूसरे के सामने हैं और सर पर उनके ऐसे ना वो है जैसे ना बाल होते हैं, तो ये इसके साथ उन्होंने कनेक्ट। अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक नेचुरल ब्रिज जो किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि कुदरती तौर पर बना हुआ, दो माउंटेन्स के साथ जुड़ता है। तो ये पहला ब्रिज है जो नेचुरली है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है। जी दोस्तों फाइनली अभी हम हैं टॉप जो माउंटेन्स के ऊपर है
तो यहाँ पर इस तरह की बसेज हैं, इसकी इंक्लूडेड है एक्चुअली। यहाँ पर अभी आउट ऑफ सीज़न है, तो हमें उन्होंने जो हमने टिकट ली थी ना उसके अंदर ही इसकी फीस भी इंक्लूडेड है। अगर आप सीज़न में आओ यानी कि गर्मियों में यहाँ पर आओगे तो इसकी अलग से आपको टिकट लेनी पड़ेगी इस बस की। तो ये बस में आप जब मर्जी जहाँ मर्जी बैठ सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से लूँगा ये बस और जाऊँगा एक अनदर स्पॉट पर, ठीक है। और वहाँ स्पॉट से फिर मुझे थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा। वॉक करने के बाद फिर हमें यहाँ तो वहाँ से चेयर लिफ्ट लेनी पड़ेगी, यहाँ चेयर लिफ्ट लेके भी वापस जा सकते हैं होटल तक। और दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ से वॉक कर सकते हैं। तो हम पहुँचते हैं पहले उस प्लेस पर, वहाँ देखते हैं कि हमें वॉक करनी है या चेयर लिफ्ट लेनी है। अगर तो वेदर ठीक हुआ तो चेयर लिफ्ट ले लेंगे, अगर वेदर थोड़ा सा डार्क हो गया यानी कि शाम हो गई ज़्यादा तो फिर हम ना पैदल वापस चले जाएँगे। तो वहाँ देखते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर दो बसेज लेनी पड़ेगी। तो ये पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए और अभी थोड़ी सी थकावट भी हो चुकी है, क्योंकि हम मोस्टली जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो बसेस पर बैठ के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम वॉक करके आए थे ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है ना वेस्ट हुई है हमारी। तो अभी ऐसे ही वापस चलते हैं बस पर बैठ के, क्योंकि अब एनर्जी नहीं है वॉक करने की। तो वापस जाकर वहाँ पर देखते हैं फिर क्या सीन। दोस्तों अभी हमें इधर पहुँच गया था, यहाँ केबल वे चल रहा है यानी कि चेयर लिफ्ट चल रही है। तो चेयर लिफ्ट की मैंने टिकट ले ली है, मुझे 38 की मिल रही है, और अगर नॉर्मली अगर कोई बंदा लेगा तो उसको 75 की मिलेगी। ये मुझे स्टूडेंट कार्ड की वजह से ना, ये देख रहे हैं यहाँ पर सिचुएशन पे आओ लिखी हुआ है, तो यहाँ पर मुझे ये स्टूडेंट होने की वजह से मिल गई है हाफ प्राइस पर। और मुझे ये क्यों लेनी पड़ी है, मैंने तो ये मैं नहीं लेना चाह रहा था लेकिन मुझे लेनी पड़ी है, वो क्यों लेनी पड़ी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ जी, यहाँ पर है जी, मैं आपको मैप पे समझाता हूँ, शायद आपको वैसे समझ ना आए। अगर आप लोग भी यहाँ पर आओ तो ये आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हमारा जो होटल है ना वो इस जगह पर है, ठीक है। यहाँ पर हमने एंट्री की, यहाँ से हमने सुबह यह नानमन यानी कि साउथ गेट से हमने एंट्री की है। तो हमने जो आज की जो दो फेमस, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ये पार्क, ये देखे ना बहुत बड़ा है, ये अभी हाफ है, हाफ इधर भी है, ठीक है। तो अभी हमने तो इस यानी कि तो अभी मैंने इसको पूरा विज़िट करना है। तो मेरे पास चार दिन की, मैंने आपको पहले बताया मेरे पास चार दिन की ये टिकट है, चार दिन में इंटर हो सकता हूँ एक्सिट हो सकता, तो चार दिन में मैं ये पूरा घूमूंगा, ठीक है। तो मैंने आज जो मेरा टारगेट था ना वो ये मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ, ये देखे पेंसिल से, इस प्लेस ये प्लेस मैंने ना इन प्लेसों को टारगेट किया हुआ था। तो यहाँ पर जो टारगेट मेरी प्लेसेस थी वो पहली तो थी ये एवाटर जो मूवी का ना जिसका जो मॉडल था वो वैली, मैंने ये माउंटेन को कवर करना था। दूसरी मेरे पास था कि ये जो ब्रिज है, कुदरती ब्रिज है ना बना हुआ यहाँ पर, दो माउंटेन्स को जोड़ता है आपस में, तो ये था। तो मैंने फिर क्या किया, मैं सुबह इधर यहाँ से इंटर हुआ, इंटर होके मैंने ये सारी क्लाइंबिंग करके यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ मैं जो जब इस ब्रिज पर पहुँचा ना तो ये मैंने ये माउंटेन देख ली, ठीक है। यहाँ देखने के बाद मैं पहुँचा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने ये भी सारी प्लेस कवर कर ली। तो मैंने आज के दिन ये दो प्लेसेस मेरे टारगेट था वो मैंने कवर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने, यहाँ पर पार्किंग का नज़र आ रहा है ना, पार्किंग से मैंने बस ली या बस लेकर यहाँ से यहाँ पहुँच गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से पहले एक तो है चेयर लिफ्ट का रास्ता, यहाँ पर कोई रोड नहीं है, ठीक है। तो ये इनका पैसे कमाने का सही तरीका था, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो है ना इधर लगा दिया चेयर लिफ्ट, ठीक है, यहाँ से लोग यहाँ तक जाएं। तो हमने जो फ्री वाली बस होती है ना, जो ये वाली बस, ये जो रोड है ना ये बस का रोड है, ये वाला रोड जो आपको नजर आ रहा है ना ये बस का रोड है, ठीक है। तो हमने यहाँ से अब यहाँ तक जाना था। मैं अब यहाँ तो इसको क्लाइंबिंग करके जाता यानी कि नीचे जाता, पैदल जाता, ठीक है, या फिर मैं इसको चेयर लिफ्ट के साथ जा सकता था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मुझे ये क्यों लेनी पड़ी। जो मेन रीज़न वो ये है कि अगर मैं ये ना लेता तो अभी ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं, 4 बजने के बाद मैं यहाँ से अगर नीचे जाता हूँ ना तो मुझे 2 घंटे लगेंगे यहाँ तक पहुँचने के। अगर पैदल जाता हूँ यहाँ पर 2 घंटे लगेंगे, तो यहाँ पर फिर मुझे ये बस लेने के लिए बस नहीं मिलेगी, तो वो 6 बजे बंद हो जाती है, शाम के 6 बजे ये पार्क बंद हो जाता है, शाम के 6 बजे ये पार्क जो है ना ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाती है। तो मुझे अब ये ज़रूरी है कि मैं यहाँ से यहाँ लूँ, तो यहाँ पहुँचूँगा, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से मैं एक पहली बस पकड़ूंगा तो यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है, इस प्लेस पर पहुँचने के बाद यहाँ से मुझे फिर वॉक करना पड़ेगा इस प्लेस पर, ठीक है। इस प्लेस से फिर मैं दोबारा अपनी बस चेंज करूँगा तो मैं फिर पहुँचूंगा अपने होटल पर। तो यहाँ पर मेरा होटल है। तो ये पूरा मैप है, ठीक है, ये पूरी स्टोरी है। अगर आप लोग भी यहाँ पर आते हो ना तो आप लोग थोड़ा जल्दी निकलो मॉर्निंग में, ताकि आप यहाँ पर ना इस प्लेस पर कोई तकरीबन 2 बजे पहुंच जाओगे, 2 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाओगे, यहाँ से फिर बस लेके शाम 6 बजे तक आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 5:30 बजे ना शाम हो जाती है। तो ये पूरा प्लान है। अभी नेक्स्ट जो हमारा प्लान होगा सुबह के लिए, वो यहाँ से हम कोई प्लेस चूज़ करेंगे, फिर मैं रात को बैठ के उसका प्लान बनाऊंगा, फिर मैं आपको वो अलग से बताता हूँ। तो अभी चलते हैं, यहाँ पर चेयर लिफ्ट चल रही है, तो चेयर लिफ्ट लेते हैं और वापस चलते हैं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है और खाना भी कुछ नहीं खाया।
दोस्तों हम नीचे आ गए हैं, तो अभी यहाँ से हमने लेनी है वो बस लेनी है और जाना है हमने साउथ गेट पर। जी दोस्तों अभी हम फाइनली आ गए हैं, वापस बाहर आ गए हैं पार्क से, और आज का ट्रिप बड़ा अच्छा रहा है हमारा। और लाइक हमने जो भी मैंने प्लान किया था ना उसी हिसाब से गया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैप में प्रॉब्लम होती थी तो चाइनीज़ आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो चाइनीज़ से पूछ लेते थे कि यार इधर ही सही है ना, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं सही में है ना, तो काफ़ी मज़ा आया यार, सारा कुछ हमने खुद से किया। यहाँ पर काफ़ी वो जो ट्रैवलिंग एजेंट्स होते हैं तो वो भी उन लोगों ने उन्होंने बुक किया हुआ था, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उस चीज़ की, क्योंकि मेरे पास मैप मिल गया था मुझे इसका, और जिस होटल में मैं रह रहा हूँ मैंने आपको पहले भी रात भी बताया था कि वो काफ़ी अच्छा है, वो ना जो बॉस है वो होटल का, तो उसने काफ़ी सपोर्ट किया, उसने मुझे मैप दे दिया था, उसने मुझे कहा था कैसे ऐसे जाना ठीक है, तो मैंने वही फॉलो किया, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत हम वापस आ गए। और क्योंकि ये पार्क कोई छोटा नहीं है, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक 70 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, 70 किलोमीटर ठीक है, तो ये कोई छोटा डिस्टेंस नहीं है, काफ़ी लंबा है ये, काफ़ी बड़ा ये पार्क है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो क्योंकि हमने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैं कुछ अपने साथ फ्रूट्स ले गया था वो खा लिए थे, और अभी प्लान ये है कि यहाँ पर कोई पास कोई रेस्टोरेंट ढूंढ के, कैसे कल हमने ढूंढा था कि सस्ता सा ढूंढ कर से रेस्टोरेंट, तो खाना खाते हैं और उसके बाद फिर वापस चलते हैं और थोड़ी सी रेस्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट प्लान करते हैं कि सुबह हमने कहाँ जाना है ठीक है। तो चले अभी पहले रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। दोस्तों यहाँ पर ना खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से ना यहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट ढूंढ के वहाँ से हम वेजिटेबल्स ऑर्डर कर लेते हैं, तो वही सही रहता है मेरे लिए, तो फिर खाते हैं। जी तो दोस्तों फाइनली हम कमरे में पहुंच चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, शॉवर ले लिया है हमने और काफ़ी थोड़ा सा सुकून भी हुआ शॉवर लेने से, हॉट वाटर था तो उससे काफ़ी मज़ा आया। अभी आज का टूर काफ़ी अच्छा रहा हमारा, और कल इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे साथ में और फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर और कौन कौन सी जो ब्यूटीफुल प्लेसेस देखने और कौन सी जो ब्यूटीफुल प्लेसेस देखने वाली हैं वो भी आपको कल विजिट करवाऊंगा, तो जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करो यारो, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।